हेलो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसकी खामियां क्या क्या हैं, किस वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं इतना, क्यों लोग इसे कोसते रहते हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें ना तो एजुकेशन है ना सिस्टम है। काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा डिसमैनेज है। हम कहते हैं हम अंग्रेजों के जमाने का चीजें यूज करे जा रहे हैं, वही थॉट प्रोसेस है, उन्होंने जैसे हमें मजदूर बनाए हम वैसे बने पड़े हैं। अगर आप लोग भी इन सब चीजों से जूझ रहे हैं और आपको समझ नहीं आता क्या करा जाए, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता ले जाना। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों के लिए ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ एक चीज बहुत प्रमोट होती है, वो है रेट रेस। अब ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इसमें 10 बातें सुनी होंगी। क्या है रेट रेस? सब लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं, जो चूहा आगे पहुंच गया वो जीत गया, वो फर्स्ट है, वो सेकंड है, उसके बाद हम सीक्वेंस लगाए थे। आपकी क्लासेस में भी कुछ ऐसा ही होता है ना? होता है। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि इस रेड रेस में रहते हुए भी हम खुद को इससे अलग कैसे कर लें। क्या भैया मैं क्लास छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करा जाए? आपको बस एक चीज ढूंढनी है, वो है व्हाई, क्यों मैं क्यों दौड़ रहा हूं। और जब आपको ये रीजन मिल जाएगा दौड़ने का, तो आप दौड़ पाएंगे और फिर आप इस रेड रेस में रहते हुए भी एक ऐसे रेड बन जाएंगे जो इस रेड रेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, वो बस अपने लिए दौड़ रहा होगा, अपने गोल के लिए दौड़ रहा होगा। और आप देखेंगे कि बाकी सब जो दौड़ रहे हैं ना, आपको उन्हें पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद लोग आपसे पीछे अपने आप हो जाएंगे, आप सबसे आगे अपने आप हो जाएंगे, चीजें अपने आप ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। बस सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लाइफ में ये होना चाहिए कि पर्पस क्या है मेरे दौड़ने का, और जब हमें पर्पस मिल जाता है चीजें आसान हो जाती है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे चले जाओ। अब आप जब ही जाओगे ना, जब आपका कोई पर्पस होगा, मान लो मुझे बॉम्बे घूमना है, मुझे बॉम्बे पसंद है, कोई पर्पस ही नहीं होगा, बॉम्बे चले जाओ, आप खामा खा नहीं जाओगे। ठीक है, और गए भी तो सीधे सीधे कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? रास्ते में रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि पहुंच के आपको कुछ मिलने वाला है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बॉम्बे में कुछ मिलेगा नहीं, बस बॉम्बे चले जाओ, तो आप नहीं जाओगे सही से। ठीक है, बिना मन जाओगे, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात से, रिलेट करो कि चीजें नहीं होगा। अपने पॉइंट टू की तरफ बढ़ते हैं, वो है रेट लर्निंग। हम बस याद करे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं चीजों का, कोई चीज नहीं समझ रहे, कुछ भी नहीं समझ रहे। आपने अगर 3D मूवी देखी हो तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन दिखाया साइंस का, बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है, जैसे आपने वो सीन देखा होगा, इसमें वो स्पून लेके करंट लगा देता है, तो वो कहते हैं कि सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कब करते हैं? कभी नहीं करते। ठीक है, उस तरीके से करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताने का तरीका ये है कि आप जब नॉलेज लेते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा साइंस की नॉलेज लो, मैं ये नहीं कह रहा मैथ की नॉलेज लो, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप हिस्ट्री की भी नॉलेज रखते हैं और हिस्ट्री से भी कुछ सीखते हैं, तो आप लाइफ को बहुत आसान बना लिया करते हैं अपने को। तो चीजों को इसी तरीके से समझें और आगे बढ़े, रटना बंद करें। चीजों को रटने से कुछ नहीं होगा, आप मार्क्स ले आएंगे लेकिन वो मार्क्स आपके लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर रहे होंगे। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर टीचर्स के लिए हमारे रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों के आजकल अंदर घमंड आ गया है, अरे पैसे दे तो रहा हूँ यार, पढ़ा देगा, सामने बोल दिए पीछे यार, मतलब ये चीज गलत है। आगे हो पीछे हो, टीचर हो प्रेजेंट ना हो, आपको उस टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको नॉलेज मिल रही है। भले वो आपको पढ़ा रहे हो, कोई टेक्निक सिखा रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी सिखा रहे हो, किसी भी तरह के आपके एजुकेशन के टीचर हैं, वो अपने आपको उन्होंने कुछ भी सिखाया है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग एटलीस्ट उन्हें रिस्पेक्ट दें। प्लस आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, इंडिया के अंदर जो सैलरी है टीचर्स की, बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, सच बता रहा हूँ वर्ल्ड में लोएस्ट पेड सैलरी है इंडिया के अंदर। जो लोएस्ट लेवल के टीचर्स को पे किया जाता है ना, उसमें हमारा इंडिया रैंक करता है। तो आप सोचिए, ये टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वर्ल्ड में लोएस्ट सैलरी ले रहे हैं आपसे। इवन मेरे कुछ प्रोफेसर हैं, वो खुद इंडिया के बाहर ऑनलाइन पढ़ाते हैं और वो खुद कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे 10 दिन में इतना कमा रहे होते हैं, वहां से एक सेशन से हमें इतना मिल जाता है, एक सेशन जब हम वहां जाके देते हैं तो हमें उससे मिल जाता है। तो आप इस चीज को समझें, जब टीचर्स हमारे कम से कम सैलरी में भी ज्यादा से ज्यादा इनपुट डालने को राजी हैं, तो एटलीस्ट हमें उनकी इज्जत तो करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज और मिसिंग होती है, वो है एजुकेशन। हम हमेशा कहते हैं बच्चों से कि भाई पढ़ लो, कभी ये नहीं बच्चों को समझाया जाता कि ये चीज क्यों, ये रिएक्शन आखिर क्यों करी गई, ये फॉर्मुलेस क्यों बनाए गए। मेरे मैथ के टीचर थे,
11th क्लास जिन्होंने मेरे को पढ़ाया वो इतने अच्छे थे इस चीज में कि वो हमें फॉर्मूले से पहले फॉर्मूले का पूरा बताया करते थे, ये कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है, क्यों यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन क्यों बनाई गई, ठीक है। तो ये सब चीजें जब समझ आने लगी, आगे मैंने जब एजुकेट करा बच्चों को तो मैंने वो चीज फास्ट फॉरवर्ड की, तो बच्चों को भी समझ आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। तो क्यों जरूर बताएं बच्चों को, तो ये बताएं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, इस लेसन को क्यों दिया गया आपकी लाइफ में, क्या गलतियां रही हिस्ट्री में जो अब आप लोग ना करें। चीजें ऐसा नहीं है, देखो जो पहले वॉर हुआ करती थी मैंने मान लिया, लेकिन उन वॉर्स की भी कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, जो गलतियां ऐसी थी जो आप अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, वो चीज उसी तरीके से कर देती है। तो हिस्ट्री से सीखना चालू करें, हिस्ट्री भी बोरिंग नहीं है, ज्योग्राफी भी बोरिंग नहीं है, हर चीज आके मर जाती है, बस समझने वाली बात है। और टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीजों को इस तरीके से समझाएं कि बच्चों को वो रट्टा ना मारना पड़े, समझ आ जाए चीजें, ठीक है। इसके बाद एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर्ट। स्पोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के एजुकेशन में, बच्चे समझते नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं समझते, अरे खेल रहा है कूद रहा है यार क्या करेगा, एक कहते हैं ना खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कई सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो एक बिजनेसमैन से, एक इंजीनियर से, एक डॉक्टर से, एक साइंटिस्ट से इतना ज्यादा कमा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या वो कमा रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर वो भी उसी रेड रेस में ही रहते तो क्या वो आज जहां है वहां हो पाते? नहीं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि स्पोर्ट को बहुत छूटा ना देना जाए, प्लस स्पोर्ट की लर्निंग, मान लीजिए आपको कोई टैलेंट नहीं है, आप में इतना टैलेंट नहीं है कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सके, लेकिन एक बात पक्की है आप जो स्पोर्ट खेल रहे हैं ना वो स्पोर्ट आपको इतना अच्छा कर देगा एक टाइम पे कि चीजें आपको आसान लगने लग जाएंगी अपने आप की। आप स्पोर्ट में हमें टीम स्पिरिट सिखाई जाती है, स्पोर्ट में हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम एंड टाइम तक लड़ते रहें। इसी के साथ साथ अगर आप लोग अपने हॉस्टल वगैरह में गए हैं या घर वालों से दूर है और होम सिकनेस फील कर रहे हैं ना, अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि मैं कैसे रहूं, तो मैंने ये वीडियो बना रखी है, इसे जाके देख लो, होम सिकनेस के ऊपर है, ठीक है। तब तक के लिए देता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।